Problem number 9, देखिए, the following summarizes balance sheet of X Limited as on 31st December 1991 and 31st December 1992. Information दे दिया आपको, assets and liabilities. During the year, में a part of machine जिसका cost है 70,000 और depreciation 2,000 minus करे 68,000 हो गया. 68,000 की machine को 66,000 में sale करे, means 62,000 का loss हो गया. एक डिविडेंड दिया 50,000 पे ड्यूरिंग द ईयर में. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड प्रिपेयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. नीचे डिविडेंड दिया, ऊपर डिविडेंड दिया क्या, देखो नहीं दिया. नीचे दिया तो डबल इफेक्ट आता, एक एफएफएस में डेबिट में आता, एफएफओ में, और एफएफएस में क्रेडिट साइड आता. लेकिन अगर इससे पहले प्रॉब्लम में ऊपर दिया था, जैसे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर एक ही बार दिया था ट्रायल बैलेंस में, तो उस वक्त चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेके वहीं ख़त्म कर दिए थे. लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया तो डबल इफेक्ट कंपल्सरी. ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज क्या मेंशन करते, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स हाउ मच, करंट एसेट्स ही फर्स्ट क्या है, करंट एसेट्स में डेप्टार्स ले लो. डेप्टार्स कितना है, 69,000, 61,000. डेप्टार्स के बाद बैंक, बैंक हाउ मच, बैंक 20,000 एंड 40,000. ठीक है, नेक्स्ट बैंक के बाद स्टॉक, स्टॉक हाउ मच, स्टॉक 3,00,350, 3,00,350. नेक्स्ट स्टॉक के बाद लैंड बिल्डिंग नहीं, प्लांट एंड मशीन भी नहीं. ठीक है, जस्ट स्टॉक, बैंक एंड डेप्टर्स, इसको टोटल. देन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ओके, ऊपर से चेक करिए, शेयर कैपिटल नहीं है, नहीं आता यहाँ पर, डिबेंचर्स भी नहीं आना, प्रॉफिट एंड लॉस तो एफएफएस में ओ में आता. ठीक है, क्रेडिटार्स है अलबत्ता, तो क्रेडिटार्स यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते. चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है ना, तो क्रेडिटार्स हाउ मच, क्रेडिटार्स इज 1,15,000 एंड 190, ओनली 90, 1,15,000 एंड 90,000. ठीक है, देन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल, हाउ मच बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, 6,000 एंड 3,000, 6,000 एंड 3,000. देन डिप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा और डिप्रिसिएशन मशीन भी नहीं आता. ठीक है, अब और कुछ इन्फॉर्मेशन है करंट एसेट करंट माइनस लाइबिलिटीज का, नहीं है. ठीक है, इसको क्लोज कर दो. ओके, देखिए एसेट बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, 8,000 का लॉस हो गया. ठीक है, एसेट बढ़ गया या कम हो गया, ये 40 हो गया, पहले 20 था, 40 हो गया, मतलब 20,000 का इंक्रीज हो गया. यहाँ पर 3,00,000 है, अब कितना है स्टॉक, 350, मतलब 50,000 का इंक्रीज हो गया. देखिए लाइबिलिटी कम हो गया, मतलब प्रॉफिट 25,000, लाइबिलिटी कम हो गया, मतलब 3,000 का प्रॉफिट. 50,000, 70,000, 80, 90, 98,000. हाउ मच, 98. इंक्रीज बढ़ के आ रहा है डिक्रीज से, तो यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आया, 90,000 इंक्रीज इन वर्किंग. ओवरऑल ये भी कितना हो जाएगा, 98,000. ठीक है, नाउ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा कैसा इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स. ठीक है, करेंट ईयर, करेंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर. यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कैरी डाउन करेंट ईयर का, पहले पी एन एल वगैरह सब चेक करना. अब देखिए क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस दिया. ठीक है, अगर रिजर्व या रिटर्निंग दिया तो उस वक्त
साथ में अगर तीन तीन दे दिया तो PNL को आप लास्ट ईयर का रिटर्न कर सकते, बट जनरल रिजर्व को एंड रिटर्न अर्निंग्स को यहाँ पर डाल देना पड़ता। ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1,25,000। प्रेजेंट में कितना है? 250। लास्ट ईयर में है 1,25,000, इसमें है 1,00,000, करंट ईयर में है 250। अब ऊपर से वन बाय वन एंट्री चेक करो, शेयर कैपिटल नहीं ले रहा है, डिबेंचर्स भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिए, केटास ले लिया, डॉक्टर ले लिया, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिए, टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच डिफरेंस देख के डालते, 4,000 का डिफरेंस है। और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन पे कितना? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट हाउ मच? डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट पे है तकरीबन 5,000। ठीक है, अब एसेट्स की तरफ आ जाओ, प्लांट एंड मशीन ले लिए, बिल्डिंग ले लिए, स्टॉक लिए, बिल्डिंग नहीं लेते, ओके, स्टॉक ले लिए, बैंक ले लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं लिए, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफरेंस चेक करो 1,000, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। अब नीचे आ जाओ, एक मशीन है तो वो मशीन का अकाउंट बनाना पड़ता है अपन को, क्या सेल ऑफ मशीन का, एक मशीन है तो क्या बोल के लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने की मशीन है वो, 70,000 की मशीन है। पहले डिप्रिसिएशन माइनस करें ना, तो बाय डिप्रिसिएशन कितना माइनस करें डिप्रिसिएशन मशीन का, 2,000, तो मशीन कितने की बच गई, 68,000, वो मशीन को कितने में सेल करे, 6,000, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ बाय लॉस, हाउ मच लॉस, 62,000 का लॉस हो गया। ठीक है, देखिए डिप्रिसिएशन एंड लॉसेस कहाँ डालते, FFS में, यहाँ पर, टू डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीन हाउ मच, 2,000, और लॉस कितना है, टू लॉसेस ऑन सेल हाउ मच, 62,000, और जो ये जो सेल का अमाउंट है वो सेल का अमाउंट कहाँ पर लिखना, FFS में जाकर लिखना उसको। ठीक है, सेल का अमाउंट FFS में ट्रांसफर कर दो, यहाँ FFS सेल ऑफ मशीन कितने में सेल करे वो अमाउंट लेना, कितने की मशीन न लेते, कितने की मशीन मशीन के अकाउंट में चेक करते। ठीक है, और कुछ है नीचे, कोई डिविडेंड वगैरह मेंशन करा क्या? बिल्कुल, 50,000 का एक डिविडेंड है, तो यहाँ लिखना टू डिविडेंड, एडजस्टमेंट में है ना, तो डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ पर है और FFO में अपोजिट साइड, यहाँ पर है तो FFO में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डिविडेंड, टू बाई नहीं डालना FFA में, डिविडेंट, कितने का डिविडेंट है, 50,000 का डिविडेंट है। और कुछ इंट्रीज हैं? नहीं है, तो इसको टैली करो, टैली मीन्स इसको कैलकुलेट करो। देखो 2,50,000 प्लस 50 प्लस 62 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस टोटल मिला के 9,000, 3,74,000। ओके, माइनस करे बाद बाय बैलेंस बाय FFO लॉस, ठीक है, 1,25,000 को माइनस कर दो, बचा कितना, 2,49,000, तो ओवरऑल कितना हो गया, 3,74,000। ओके, अब FFS फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट, इंक्रीज आया डिक्रीज आया, यहाँ पर चेक करो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 90,000 और FFO लॉस है जो 249, तो यहाँ लिखो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हाउ मच, 90, FFO लॉस है ना
ये इधर लॉसेस की तरफ, एफएफओ लॉस कितना, 249,000, ठीक है। ये आपको लॉसेस है, यहाँ पर आपको इनकम्स है। ठीक है, नाउ वन बाय वन एंट्री फ्रॉम लाइब्रेरी साइड। देखो पहले 6 लाख कैपिटल था, अब 8 हो गया, तो कैपिटल बढ़ गया मतलब लॉसेस, लाइब्रेरी ज़्यादा पे करना है, इंक्रीज इन कैपिटल, हाउ मच इंक्रीज, 2 लाख्स। इसके बाद डिबेंचर्स पहले 2 था, 3 है, तो डिबेंचर्स भी बढ़ गया, इंक्रीज इन डिबेंचर्स, हाउ मच, 1 लाख। उसके बाद पी ने ले लिया, केटा ले लिया, बैड डेट को ले लिए, और डिप्रिसिएशन भी ले लिए। अब एसेट्स की तरफ देखिए, प्लांट एंड मशीन कुछ करे, हाँ मशीनरी यहाँ पर बेच दिए थे, सेल ऑफ मशीन, तो यानी कि मशीन का कैलकुलेशन करना पड़ता, मशीन अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, लास्ट ईयर मशीन कितनी थी, क्वेश्चन में कितना दिया मशीनरी अकाउंट, 4 लाख, इसमें से कितने की मशीन सेल करी, बाई सेल 70,000, तो बाई बैलेंस कैरिड ऑन कितनी की मशीन बच रही। वहां पर अपने को कितना मेंशन करा, 3 लाख, वो 6,45,000 मेंशन करा, 4 लाख में से अगर 70,000 की मशीन चले गई तो बचा कितना, 3,30,000, 3,30 के बदले 6,45 है, तो बाकी का अमाउंट कहाँ से आया, मशीन का परचेज करने से आता हूँ, 3,15,000 परचेज करने से आया। ठीक है, ये जो परचेज का अमाउंट है वो लेके आके यहाँ पर एफएफएस में लिखते हैं, इंक्रीज इन मशीन मशीनरी 3,15,000। ठीक है, इंक्रीज इन मशीन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 था, 4 हो गया, तो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच, 1 लाख। ठीक है, स्टॉक प्रीमियम एक्सपेंस वगैरह सब ले लिया अपन, ठीक है, और एडजस्टमेंट से मशीन्स वगैरह ले लिए, 70,000 का अमाउंट भी आ गया ये, ठीक है, और कुछ, 7,15,000, 7,15,000, ठीक है, डिविडेंड तक भी एंट्री ले लिए ना ऑलरेडी, डबल इफेक्ट, ठीक है। अब टैली करो, 3,50,000, 4,15,000, ठीक है, 4,15, 5,04,000, और 50 ऐड करें, 5,55,000, ओके, दिस वन 249 प्लस 6,000 प्लस 3 लाख, 5,55,000, ओके।